देखो भैया, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, पर उनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विशेख। चंचल नेत्रों वाले श्री कृष्ण और गंभीर नेत्रों वाले श्री राम अपनी अपनी लीलाओं का आनंद है। भगवान श्री कृष्ण तो देखो री माई श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं उत आड़ो ही आवे बिना बुलाए बोले। पर राम जी नहीं देख रहे। एक सखी ने कहा कि अगर ये ऊपर न देखें तो मिथिला वाली देवियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, या भी देखेंगे। कहा कैसे? अब थोड़ा जोर से बोली, बहन ये रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो? तो दूसरी सखी क्या बोली, बोली इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। पिता को? हाँ। कौन है इनके पिता? तो कहती हैं ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरी यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग कर लाया। अब जब कहा कि दशरथ जी के पुत्र हैं तो राम जी तो गंभीर रहे, छोटे भैया चंचल हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो एक बार ऊपर देख लें, कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसीलिए हम साथ आए, इधर उधर नहीं देखना है, ये ऊपर सिर उठाकर तो बिल्कुल मत देखना। मिथिला में सिर उठाने की नहीं, सिर झुकाने की महिमा है। ये तो भक्ति का नगर है और भक्ति की नगरी में तो सिर झुकाकर चलने में ही शोभा है, सिर उठाकर नहीं देखना। एक सखी बोली इन्होंने तो देखा ही नहीं, दूसरी बोली ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे बाप को कौन नहीं जानता, तो हमें देखने की जरूरत क्या। अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी। अच्छा देखो, माताओं के भी नाम लिए। ये राम जी की मैया का नाम कौशल्या, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। कौशल्यानंद वर्धन है श्री राम। एक मेर जांचत ही जाचक अजाचक हो, तो और कौन जांचे फिर जाचक जन जाको है। भाग जगो ताको जो शरण हेतु ताको, सुभ सुस पताको लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर बारिद को नाको है। पालक प्रजा को राजेश जो दया को, सिंधु तारक शिला को सो कुमार कौशिला को है। कौशल्यानंदन है श्री राम। और गोरे राजकुमार की मैया लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखितासु सुमित्रा माता। गोरे राजकुमार का नाम लक्ष्मण, उनकी मैया का नाम सुमित्रा जी। अब देखें, अब तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, कहने लगे प्रभु बुरा मानो या भला, हम एक बार जरूर देखते हैं। ये तो अपनी माताओं तक के नाम जानती हैं, अलग अलग नाम पता है इन्हें। राम जी ने कहा कि हम इसीलिए आए हैं, इधर उधर मत देखो, चुपचाप सिर झुकाए चले चलो। नहीं देखा।
एक सखी बोली ये तो ऊपर देखते ही नहीं, तो दूसरी सखी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है। अब बहरा उन्हें कहा जा रहा जो सुने बिनु काना। दूसरी सखी बोली बहरे नहीं, हमको तो गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारा करते हैं, बोलते नहीं। अब गूंगा किसे जो बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। इनके ऊपर कुछ गिराओ, क्या गिराए, फूल गिराओ, पुष्प इतने ऊपर से गिरेंगे तो इनके कमल कोमल कमनीय कलेवर पर नील उभर आएंगे, पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई। ही हर सही बर सही सुमन। अब सुमन शब्द में श्लेष है, पुष्प को भी सुमन कहते हैं और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं। सौंदर्य देखकर मन बिगड़ जाता है, लेकिन चाम का सौंदर्य देखने से मन बिगड़ता है, पर श्री राम का सौंदर्य देखने से मन सुमन हो जाता है।